हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावा ब्लेज 2 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है पावर ऑन साउंड सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये पावर ऑन साउंड सेटिंग जो है ना, इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा साउंड का, साउंड पे आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब साउंड के इस पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा पावर ऑन साउंड। पावर ऑन साउंड इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये जो बटन दे रखा है ना, इस बटन को आपको टैप करना है, तो ये बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी ये पावर ऑन साउंड सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाएगी। अब ये सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद काम कैसे करती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को है ना स्विच ऑफ करेंगे, यानी कि पावर ऑफ करेंगे, फिर इसके बाद आप अपने फ़ोन का जो है ना स्विच ऑन करेंगे, यानी कि पावर ऑन करेंगे, ठीक है। तो पावर ऑन जैसे ही आपका फ़ोन होगा ना, तो आपका मोबाइल फ़ोन साउंड क्रिएट करेगा, साउंड की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का ना एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है पावर ऑन साउंड, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है ना, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है पूरा का पूरा पावर ऑन साउंड। तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा पावर ऑन साउंड का। यहाँ पर आपको एक बात का भी ध्यान रखना है कि आप जब भी ये सर्च बार में सेटिंग का नेम टाइप करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये नीचे ऑप्शन शो हो जाता है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फ़ोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।